सामुदायिक चेतना के बिना काम ठीक नहीं होता। अब व्यक्ति की बात सोचे और समझे ही नहीं। सामुदायिक चेतना में योग्यता का अंकन होता है और व्यक्तिगत चेतना में योग्यता की बात नहीं आती, अपने स्वार्थ की बात आती है। बस जा रही थी, एक जगह बस रुकी और ड्राइवर कोई देह चिंता के लिए नीचे उतरा। बुढ़िया चढ़ी और ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ। ड्राइवर आया और बोला, माँ जी हटो थोड़ा। क्यों हटूँ, सीट खाली थी, मैं कोई ऐसी थोड़ी बैठी हूँ, खाली पड़ी थी, सबका अधिकार है सीट पर बैठने का। मैं बैठ गई। बोला, माँ जी सीट पर बैठने का तो अधिकार है, पर बस को चलाएगा कौन, चलाओगी क्या? कह नहीं, मैं नहीं चलाना जानती। तो फिर कह नहीं, हटूँगी नहीं फिर भी मैं। लोग आए, लोगों ने कहा, बुढ़िया क्या कर रही हो, ड्राइवर को बैठ दे दो, नहीं बस कौन चलाएगा। बड़ी मुश्किल से उठाया उसको। जब सामुदायिक चेतना नहीं, योग्या योग्य का निर्णय नहीं होता। समुदाय का मतलब ही है कि जहाँ योग्यता का अंकन होता है, कौन व्यक्ति काम कर सकता है, किसमें क्षमता है, उसके आधार पर सारा काम होता है। व्यक्तिगत सोचे कि मुझे यह लाभ मिले, मुझे यह मिले, मुझे यह मिले, तुम यह तो बताओ तुम्हें लाभ मिले, तुमने किया क्या समाज के लिए? बहुत बड़ा प्रश्न है, एक समाज के लिए क्या किया, अपने लिए किया, अपने लिए बहुत कुछ किया, समाज के लिए क्या किया? मैं मानता हूँ पैसे के विसर्जन से भी ज़्यादा बड़ी बात है समय का विसर्जन। व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़कर और समय लगाए समाज के लिए, अपने आप समाज में स्थान बन जाता है। तो सामुदायिक चेतना का विकास होना बहुत जरूरी है।